हेलो एवरीवन, आज की रेसिपी है भिंडी की मसालेदार भुजिया। ये भुजिया झटपट बन जाता है, खाने में बहुत लाजवाब होता है। इसे आप पूड़ी पराठा के साथ खा सकते हैं, दाल चावल के साथ भी खाने में बहुत टेस्टी होता है। सफ़र में भी ले जा सकते हैं, बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। इस तरह से भुजिया बनाएंगे तो बच्चे मांग कर खाएंगे। भिंडी बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो इसको बनाने के लिए 500 ग्राम फ्रेश भिंडी लिए हैं। भिंडी को धो लिए हैं, इसको काटन के कपड़े से पोंछ लिए थे। जब भिंडी सूख गया तो इसके ऊपर का हिस्सा और पीछे का हिस्सा इस तरह से हम काट के हटा देंगे। चाहे तो आप एक साथ सब भिंडी के ऊपर का हिस्सा और पीछे का हिस्सा काट के तभी इसका छोटा छोटा पीस बनाइए, या तो फिर इसी तरह से काटते जाइए और भिंडी का पीस बनाते जाइए। इस सब्ज़ी की जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। इस तरह से काटने के बाद अब छोटा छोटा इसका पीस काट लेते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा बड़ा भी काट सकते हैं, ना बहुत महीन काटना है ना बहुत मोटा काटना है। जितना मोटा हम काट रहे हैं इतना परफेक्ट है, लेकिन आप अपने पसंद से छोटा थोड़ा या थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगा। भिंडी कट के रेडी हो गया है, झटपट कट जाता है। अब इसको बनाने के लिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर कढ़ाई गरम होने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो कोई भी बड़ा बर्तन ले लीजिए जिसमें कि फैल के ये भुजिया बने। गरम कढ़ाई में अब सरसों का तेल डाल देंगे। तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि सब्जी को बनाने के लिए तेल ज़्यादा लगता है। तेल गरम हो गया, 2 मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को लच्छा लच्छा काटे हैं, बहुत छोटा आमलेट कट नहीं काटे हैं। अब 1 मिनट तक प्याज को हम फ्राई करेंगे, बहुत देर तक नहीं फ्राई करना है। 2 मीडियम साइज़ का आलू काट के छील के धो लिए हैं, क्योंकि तुरंत पकाना है इसलिए धो के डाल दिए। अगर देर में आलू पकाना रहता तो इसे हम पानी में रख देते, पानी में नहीं रखेंगे तो काला पड़ जाएगा। जब सब्जी पकाना हो तब पानी से निकाल लीजिए। अभी हाई फ्लेम पर 3-4 मिनट तक आलू को फ्राई कर लिए हैं जिससे कि ये खस्तेदार बने। 1/4 चम्मच नमक डालेंगे, अभी ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे क्योंकि भिंडी भी डालना है, बाद में नमक डालेंगे। आलू नमकीन हो जाए इसलिए थोड़ा सा डाल दिए। इसे ढककर 5 मिनट तक पका लिए। सब्जी को पकते हुए 5 मिनट हो गया, अब इसे देख लेते हैं जिससे कि ढकने से ये सॉफ्ट हो गया है। थोड़ा कच्चा है तो जब भिंडी के साथ पकेगा तो ये अच्छे से पक जाएगा। बहुत ज़्यादा आलू को भी नहीं गलाना है। 3-4 कली कटा हुआ लहसुन का डाल दिए। लहसुन को भी 1 मिनट तक आलू के साथ पका लेंगे। आप चाहें तो जब प्याज को फ्राई कर रहे थे तभी लहसुन को डाल सकते हैं। अब जो कटी हुई भिंडी रखी है इसे डाल देते हैं और गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पर भिंडी को चलाते हुए फ्राई करेंगे जिससे कि इसमें जो लबाब बनता है वो कम हो जाए। अगर इस स्टेज पे लो कर देंगे तो लबाब ज़्यादा बनेगा और भिंडी टूटने लगेगा। इस तरह से हाई फ्लेम पर बनाने से भिंडी क्रंची बनता है और बाद में जब हम ढक कर पकाएंगे तो ये सॉफ्ट भी हो जाएगा, यानी कच्चा भी नहीं रहेगा और क्रंची भी रहेगा। देखिए भिंडी को पकते हुए 10 मिनट हो गया है, बराबर चलाते हुए ही हम इसे पकाए हैं। अब इसमें नमक डालेंगे। भिंडी को थोड़ा देर पकाने के बाद नमक डालते हैं तो भिंडी बहुत टेस्टी बनता है। ये चिपचिपा नहीं होता है, इसमें लिलीबाहट नहीं होता है। अब इसमें कलर के लिए 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, इससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा। तीखी वाली लाल मिर्ची पाउडर 1/2 चम्मच डालेंगे, आप अपने टेस्ट अनुसार डालिएगा। आप चाहें तो हरी मिर्ची भी काट के डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच गर्म मसाला पाउडर डालेंगे, इससे सब्जी बहुत टेस्टी बनेगा। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। अब इन मसालों को 3-4 मिनट तक भून लेंगे। मसाले पाउडर हैं, ये सूखे हैं इसलिए ज़्यादा देर तक इन्हें नहीं भूनेंगे। मसाले भून गए हैं, खुशबू अच्छा आने लगा है। अब सब्जी को ढक देंगे। ढकने से पहले इसमें टमाटर डाल देते हैं। आप चाहें तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, अगर टमाटर है तो टमाटर डाल दीजिए और टमाटर को मिक्स कर लीजिए। गैस का फ्लेम लो कर लीजिए। अब लो फ्लेम पर सब्जी अच्छे से पक जाएगी। अब गैस का फ्लेम हाई कर देंगे तो सब्जी जल जाएगा, इसलिए लो फ्लेम पर इसे ढककर थोड़ी देर और पकने देंगे। टमाटर के साथ सब्जी को पकते हुए 5 मिनट हो गया है, सब्जी अच्छे से पक गया है और टमाटर भी सॉफ्ट हो गया है।
इन्हें अच्छे से देखे चला दे रहे हैं, तली में नहीं चिपक रहा है, अलग अलग खिला खिला सब्जी बन के तैयार हुआ है। अब आलू को देख लेते हैं, भिंडी भी गल गया है, आलू भी गल गया है, कच्चा कोई भी चीज़ नहीं है। अब इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, धनिया को मिक्स कर लेंगे, गैस को बंद कर देंगे। सब्जी बन के रेडी हो गया है, अब इसको सर्व कर लेते हैं। इस सब्जी को जब चाहें आप बना के खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता है, मेहनत झंझट भी नहीं होता है। तो इस तरह से एक बार टेस्टी सब्जी आप भी बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।